दुनिया जब लालू यादव को गरीब गुरबों की आवाज उठाने वाले बेस्ट नेता के तौर पर जान रही थी, तब छोटे से तेजस्वी ने अपने पिता को दो शब्दों में परिचय कुछ यूं दिया था, बेस्ट क्रिकेटर। बचपन से दो ही तो शब्द तेजस्वी की जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते थे, क्रिकेट और पापा। दोनों ने ही उन्हें सिखाया था कि हर जीत के लिए जरूरी है कड़ी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास। ये छोटा सा बच्चा इस बात को गांठ बांधकर बचपन से ही लग गया और बड़ा हुआ तो बना बिहार का लाल तेजस्वी, जो हर साजिश, हर अन्याय, हर अंधेरे को मिटाने के लिए बिहार के आसमान पर सूर्य का तेज लिए चमका। वो है तेजस्वी, जो पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए गरीब गुरबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और शोषितों की आवाज बनकर उभरा। वो है तेजस्वी, जो जुल्म के खिलाफ हिम्मत से लड़ा, बिहार के लोगों को हर तूफान से बचाने के लिए हिमालय सा हुआ खड़ा। वो है तेजस्वी। विरोधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी को पिता की जमी जमाई जमीन मिली है, लेकिन उन्हें कहां पता है कि असल में तो तेजस्वी ने अपने सपनों का आसमान त्यागा है। तेजस्वी तो खुश थे अपने पहले प्यार क्रिकेट को खेलते हुए। बचपन से क्रिकेट ही तो खेलते आए थे तेजस्वी। उनका करियर बहुत अच्छा जा रहा था। बहुत कम लोगों को पता है कि विराट कोहली भी उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं। We started cricket playing together. अच्छा? And he played under my captaincy also. आपने कोहली की कप्तानी की हुई है? हाँ, हाँ. कहाँ पे? हमने दिल्ली अंडर 15, अंडर 17. और you were the captain of the team और कोहली आपकी टीम में था. दिल्ली was the champion after 35 years. तेजस्वी लगातार क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे। वो IPL में चुने भी गए। जल्द ही उन्हें वो मंजिल मिलने वाली थी जिनका उन्होंने सोते जागते सपना देखा था, ब्लू कैप। इंडिया की तरफ से खेलने का सपना पूरा होने के करीब था, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। बिहार की राजनीति करवट ले रही थी। सांप्रदायिक ताकतें नफरत का जहर घोलकर बिहार के लोगों में दरार पैदा कर रही थी। लोगों से उनके हक छीनने की तैयारी हो रही थी। दलित, पिछड़े और शोषित, जिन्हें लालू यादव बड़ी मुश्किल से बराबरी पर लाए थे, फिर पीछे धकेले जा रहे थे। लालू के खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया था। लालू अकेले लड़ रहे थे बिहार के लिए और तेजस्वी देख रहे थे निडर निर्भीक लालू को मुश्किलों से बिना डरे डटकर सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करते हुए। सांप्रदायिकता और साजिशें लालू जी पर हावी हो रही थी। लालू अकेले पड़ रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे, बस लड़े जा रहे थे। तेजस्वी के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें अपने सपने और बिहार की जनता के सपने में से एक को चुनना था। तेजस्वी ने बहुत सोचा, क्या होगा अगर वो मशहूर क्रिकेटर भी बन गए तो? शायद बहुत नाम कमाए, शायद बहुत आगे निकल जाए, लेकिन फिर बिहार की जनता को मुश्किलों से कौन निकालेगा? कौन लड़ेगा अन्याय के खिलाफ? गरीब गुरबों के हक की जो लड़ाई पिता अकेले लड़ रहे हैं, इसमें कौन देगा उनका साथ? और आखिर उन्होंने सपने और संघर्ष में से संघर्ष को चुना। न्याय के लिए संघर्ष, बिहार की जनता के हक के लिए संघर्ष। बिहार की जनता ने भी अपने तेजस्वी को सिर आंखों पर बैठाया, उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया। तेजस्वी बिहार के लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। इस तरह जनता और तेजस्वी के एक प्यारे से रिश्ते की शुरुआत हुई। और फिर वो दिन भी आया जब तेजस्वी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। कई मंत्रालय उनके जिम्मे आए। तेजस्वी ने रात देखा न दिन, बिहार की जनता के लिए रिकॉर्ड तोड़ काम कर दिखाया। जनता खुश थी उनसे, वो खुश थे जनता की खुशी देखकर। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को ये खटक रहा था, वो अपने मंसूबे में फेल हो गए थे, इसलिए साजिशों का कुचक्र फिर से चलाया गया। एक ऐसे टेंडर घोटाले में तेजस्वी का नाम उछाला गया जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था। हैरानी की बात ये है कि जिस वक्त का ये मामला था, उस वक्त तेजस्वी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। जरा सोचिए,
13 साल का बच्चा कोई टेंडर घोटाला कर सकता था क्या? जब हम 13 साल के थे, जब मूंछ नहीं आया था, तो हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में। हम जब सभाओं में जाते हैं तो कोई बच्चा दिखता है तो हम उसको स्टेज पे बुलाते हैं। लगभग 13, 14, 15, 16 साल के जो लोग होते हैं उससे हम पूछते हैं, बेटा टेंडर कैसे भरा जाता है? तो बोलता है, हमको नहीं पता। ये आरोप तो सिर्फ बहाना था, असल में तो सांप्रदायिक और सामंतवादी शक्तियों को बिहार के सिंहासन पर कब्जा जमाना था। फिर वही हुआ जिसे बिहार के लोकतंत्र के काले दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। जनता के साथ धोखा हुआ। तेजस्वी को जनता ने चुना था, पर विरोधियों ने जनता के वोट को छीन लिया। तेजस्वी को सत्ता से बाहर कर दिया गया और नीतीश कुमार ने उस भाजपा से हाथ मिला लिया जिसे बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था। नई सरकार सत्ता में आई, फिर शुरू हुआ संघर्ष, फिर से शुरू हुई बिहार की जनता की न्याय की लड़ाई। बिहार में आए दिन अपराध, महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार, बलात्कार, लूट, डकैती और रंगदारी की घटनाएं बढ़ने लगी। घोटालों पर घोटाले होने शुरू हो गए। संविधान से छेड़छाड़ की कोशिशें होने लगी। जहर भरे बयानों से समाज को बांटा जाने लगा। सरकार के मंत्री ही गंभीर अपराधों के आरोपी होने लगे। सरकार आरोपियों को संरक्षण देती रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक सरकार पर पड़ने लगी। बिहार के हालात दिन पर दिन बदतर होते गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सांप्रदायिक और सामंतवादी ताकतों ने सिर्फ जनता को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि जनता के लिए लड़ रहे तेजस्वी यादव के मनोबल को भी तोड़ने के लिए जी जान लगाए गए। तेजस्वी के पिता लालू यादव को जेल करा दी गई। उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल में भी बार बार छापे मार कर उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। उनके इलाज में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। लालू और तेजस्वी सुरक्षा में लगातार चूक की खबरें सामने आ रही हैं। तेजस्वी को अपने बीमार पिता की एक झलक भी नहीं देखने दी गई। परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए पूरे परिवार को निशाने पर लिया गया है। हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा किया, मेरे पे मुकदमा है, लगभग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे केसेस है मेरे ऊपर। मेरे भाई पे है, मेरी माँ पे है, मेरी सात बहन है, सातों बहन पे है, सातों बहनों की शादी हो गई, सातों जीजा जी पे है, जितने सिस्टर्स के इन लॉज हैं यानी 14, 7 × 2, 14, उन सब पे मुकदमा। लालू जी के यानी समधन समधी, उनके रिश्तेदारों पे भी मुकदमा। गोदी मीडिया का कोई पत्रकार तेजस्वी के पिता को ललुआ कहकर अपमानित कर रहा है, कोई पत्रकार राबड़ी देवी के ज्ञान की परीक्षा ले रहा, तो कोई बीजेपी का नेता उन्हें घूंघट में रहने की सलाह दे रहा है, कोई नेता तेजस्वी की बहन मीसा भारती को अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष तक लालू जी और राबड़ी जी के लिए असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश और मोदी तो जैसे उन पर बेबुनियाद आरोपों की झड़ी लगाए हुए हैं। जरा सोचिए, केंद्र की सरकार में बैठी पार्टी का पार्टी अध्यक्ष, बिहार की कुर्सी पर बैठा मुख्यमंत्री, गोदी मीडिया के पत्रकारों की फौज, सरकार के मंत्री, सरकार की पार्टी के प्रवक्ता, सब लगे हुए हैं एक इंसान का हौसला तोड़ने के लिए। सामंतवादी शक्तियों का मनसूबा बस ये है कि साम दाम दंड भेद से तोड़ दिया जाए तेजस्वी का मनोबल, टूट जाए वो हौसला जो बिहार की जनता के लिए लड़ रहा है। पर हर चोट से, हर दर्द से वो सूरज और ज्यादा निखर रहा है जिसका नाम है तेजस्वी। क्योंकि चाहे कितने भी अस्त्र शस्त्र उनकी शक्तियों के पास हो जो तेजस्वी को झुकाने में लगी हैं, कितना ही बाहुबल हो, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है। क्या झुका पाएगा उसे कोई जो हर सुबह माँ का आशीर्वाद लेकर निकलता हो? बिहार की जनता को मालिक समझ उन्हें दिल में रखता हो। अब ढलने वाली रात है, अन्याय को मिलने वाली मात है, हर अंधेरा हटेगा, लालटेन जलेगा और 23 मई को एक नई सुबह आएगी,
जब आसमान का सूरज बनकर चमकेगा तेजस्वी, बिहार की जनता संग न्याय की शपथ लेगा तेजस्वी।